उधर से तीन बंदे आ रहे थे, तो वहाँ पे एक दो औरत थी, वहाँ पे दो औरत थी, तो वो बोली थे इसमें बच्चा पूरा में जो रो रही है, कोई नहीं जा रहा था उसमें देखने से, हाँ क्या चीज है नहीं है। वहाँ पे मम्मी मम्मी चिल्लाया तो द्वारी से, हम भी सोच रहे थे तो मम्मी रखेगी कि नहीं बाल लड़का को लड़की को। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिहार के मोतिहारी जिले से एक सूचना आज हमें मिली है, और वो सूचना ये है कि वहाँ एक नवजात बच्ची पुआल के ढेर में मिली है। बच्ची कैसी है, किसके पास है, क्या वो बच्चे स्वस्थ है, किस हालत में बच्ची मिली थी, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मोतिहारी से जुड़ रहे हैं छोटे लाल जी। छोटे लाल जी ही वह शख्स हैं जिन्होंने इस बच्ची को वहां से उठाया जहां पर वो बच्ची थी, और इसके बाद वो बच्ची आज उनके पास। छोटे लाल जी नमस्कार, पालोना के इस मंच पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी थोड़ा सा बताइए हमें कि ये बच्ची कब मिली आपको और किस हालत में थी जब आपने उसको सबसे पहली बार देखा। सर। 6:30 बजे के करीब में मिली हुई थी शाम को, 6:30 शाम को। और जी नार के साथ में जो नार, शाम को मिली हुई थी, जी जो नार बोलते हैं ना वो गर्भनाल। साथ, तो चौमाइन के बुलाया गया वहां से, तो वो नार काटी यहाँ पे, तो 500 रुपये ले हमसे। तो बच्ची नहीं जब मिली तो क्या उसको चींटी वगैरह भी लगी हुई थी। कुछ भी नहीं लगी हुई थी वो, जो ऐसी 2 घंटे के 1 घंटे के जो अंदर में जो वहाँ पे डाल दी थी ना, उधर से तीन बंदे आ रहे थे, तो वहाँ पे एक दो औरत थी, वहाँ पे जी दो औरत थी, तो वो बोली थे इसमें बच्चा पूरा में जो रो रही है, तो कोई नहीं जा रहा था उसमें देखने से, हाँ क्या चीज है नहीं है। हम गए उसमें देखने तो बच्चा थी, तो वहां से निकाले तो उसको कितना बंदे को, कितना औरत को हम लोग दे रहे थे उस समय में, तो वहां से जो कोई लेडीज नहीं ले रही थी वहां पे, लेकर और गोद से छोड़ दे रही थी हमारे से, तू ही उसको देखो। अच्छा, तो मतलब बच्ची जहां तो मिली थी वही, वहां से आपने ही निकाला था उसको। हाँ हम ही निकाले थे वहां से, तो कितना लेडीज लोग दे रहे थे, तो वहां से कोई नहीं लिया, तो हम आपस लेके आके घर पे लाए, तो मम्मी थी हमारा, वो पापा का जो दवाई खिला रही थी, वो पूजा कर रही थी, और जो नहीं होती है दिया बाती होती है, सांस जलती है, उस समय में जो मम्मी सांस जला रहे थे, तो वहां पे मम्मी मम्मी चिल्लाया तो द्वारी से, हम भी सोच रहे थे तो मम्मी रखेगी कि नहीं बाल लड़का को लड़की को, तो वहां से सोचे से बुला लेते हैं मम्मी को, तो मम्मी मतलब गोद में रख ली अपने। अच्छा, मम्मी अपनी गोद में रख ली बच्ची को। जी जी ओके, तो बच्ची को किसी कपड़े में लपेट के छोड़ा गया था या ऐसे ही छोड़ दिया गया था, क्या चीज बोल रहे हैं मतलब बच्ची को किसी कपड़े में लपेटा हुआ था या बिना कपड़ों के ही बच्ची वहां पर रखी हुई थी। जी? कपड़े एक लाल था, एक अंगोछा था, जो बिहारी में गमछा। अंगोछा बोलते हैं ना किसान को, गमछा। हाँ गमछा वही था, हाँ अच्छा, गमछे में, गमछा लाल में रंग लटका के हुआ था, गमछे में और बच्ची लपेट कर। उसमें, जी, हाँ गमछे में लपेट लपेट कर, के और बच्ची। जो हाँ एक हाथ अंदर जो बच्ची थी पूरा के अंदर में ही, नहीं समझी नहीं, एक हाथ अंदर बच्ची थी मतलब। मतलब पुअरा जो बोलते हैं ना बिहार में, जो पुअरा बोलते हैं भोजपुरी में, वो जो एक हाथ को जो अंदर में जो है ना, दो बीता दो तीन बीता के अंदर में रख दिया था बच्चों को, एक फीट जो बोलते हैं ना, अच्छा, एक फीट के अंदर मतलब में बच्ची थी वो, हाँ तो वो जिन्होंने बच्ची बच्ची को थी, रखा था एक वो उसको मतलब ऐसी, सहेजने के लिए वहां पे रख दिया था कि कोई कुत्ता या कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे करके। हाँ ऐसे करके तो ऐसे में रखा हुआ था, लेकिन जो जो जिसको बिकना था ना, जो सरे में कहीं पे बिक देता, नहर नदी में बिक देता उसको, ओके, जहां ये बच्ची तो मिली है ऐसे गांव और वो में, आने जाने का रास्ता है, मतलब कोई भी दूसरे गांव से आके भी बच्ची को वहां पे रख के जा सकता है। अच्छा, बहुत रास्ता है रोड में, जो गांव में पड़ता है ना, रोड के किनारे पुअरा था,
वहीं पे लड़की उसमें रखा हुआ था। अब कुंवर रखे गया था नहीं रखे गया था अब हम लोगों का मालूम नहीं है। इसके बारे में नहीं पता चल पाया है, कोई बात नहीं। तो आप अपने हम लोग गांव का नाम हम और लोग थाना क्षेत्र का नाम बताएंगे? जैसे गांव का नाम गुरमिया मठवा टोला हो गया, अब थाना घोड़ासन हो गया, पोस्ट ननौड़ा हो गया। और मोतिहारी जिला हो गया। हाँ मोतिहारी जिला हो गया। क्या उस बच्ची को हम लोग देख भी सकते हैं? अगर वो सोई हुई नहीं है, जागी हुई है तो? अगर सोई हुई है तो फिर मत उसको उठाइएगा। नहीं जगी हुई है, जगी हुई है तो एक बार हम भी देखना चाहेंगे उस बच्ची को। दिखाइए भाई। बच्ची को डॉक्टर को दिखाया गया है? हाँ दिखाए हुए थे। तो डॉक्टर ने कुछ कहा है, मतलब कोई उसको कोई प्रॉब्लम, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, किसी तरह का कुछ जॉन्डिस या पीलिया वगैरह जो हो जाता है बच्चे को, ये सब तो नहीं है? कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, बच्चे स्वस्थ है सिर्फ पूरी तरह जो से? यदि हाँ स्वास्थ्य है, पूरा खेल रहा है, कूद रहा है, पूरा बिल्कुल अच्छा ही है। चलिए, आप शादीशुदा हैं छोटे लाल जी? शादीशुदा है, दो लड़का है मेरे पास में, फिर कितने बड़े बच्चे हैं भी लड़की आपके? नहीं था तो बच्ची तो हो गया एक 2 साल का है, एक 1.5 साल का है। तो बच्ची नहीं थी तो आपको लग रहा है कि भगवान ने एक बेटी आपको दे दी है? हाँ मैं वहां लोकल जो भी थाना है वहां सूचना दी है बच्ची की? नहीं वहाँ कुछ नहीं मेरी दिलीप जी से भी बात हो रही थी, आपके चचेरे भाई हैं शायद, तो मैं उन्हें बता रही थी कि आप अपने लोकल थाने को जरूर इस घटना की सूचना दे दें, क्योंकि अभी जो मौजूदा कानूनन व्यवस्था है एडॉप्शन की, उसमें ये है कि जी। कभी भी कोई भी बच्चा अगर कहीं मिलता है तो उसकी सूचना CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और लोकल थाने को जरूर दी जानी चाहिए। लोकल तो थाने का जरूर दिया जाए सूचना। जी, और ये घटना है कब की, मतलब किस दिन बच्ची मिली है? 22 तारीख को शाम को मिले हैं, 6 साढ़े 6 बजे करीब में मिले हुए। थोड़ा सा बोलिए। क्लोजअप, क्लोजअप बच्ची को दिखाइएगा थोड़ा सा। बच्ची को जो वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो इंजेक्शन वगैरह लगना चाहिए, क्या डॉक्टर ने लगा दिया है सब? लगा दिए हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कल इस बच्ची के बारे में थाने में जरूर सूचना दे दें, क्योंकि आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है, बच्ची की जिंदगी बचाई है वहां से उठाकर। अगर आप लोग वहां से बच्ची को नहीं निकालते तो पता नहीं क्या होता बच्ची का। आप कोई अनजाने में कुछ अपराध ना हो जाए कि थाने को सूचना नहीं दिया, नहीं तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जरूर दे दें, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि आपने जबरन बच्ची को अपने पास रखा है, आपने तो इतना अच्छा काम किया है। इसके बारे में कुछ और आप बताना चाहें, कोई और बात जो आपने उस समय में नोटिस की हो, आपने देखा हो और आप यहाँ पे बताना चाहें? नहीं कुछ नहीं देखे हुए थे हम लोग, मतलब दोस्तों तीन तीन बंदे थे, हम लोग जा रहे थे उधर तो वहाँ पे देखे वो सब। यदि लेडीज लोग बोल रही थी वहाँ पे से, हाँ इसमें बच्चे बोल रहे हैं पूरा में, तो घोड़ासन के रोड है जो इधर निकल जाता है, चिरैया रोड में निकल जाते हैं ना वो सब, उसी रोड में मेन जो रोड पड़ता है जो ननौरा बोलते हैं हम लोग, अच्छा, पोस्ट पोस्ट जो ननौरा है वही घोड़ासन से जो यहाँ पे आते हैं, तो उसमें तो वहाँ पे गए हम लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पे लेडीज लोग बोल रहे थे इसमें बच्चे बोल रहे हैं, तो हम लोग गए थे उसमें से निकाल के लाए। ओके। तो आपका घर पास में ही पड़ता है जहां पर ये बच्ची मिली है उसके? हाँ पास में ही है खुद। मतलब वहां पर लोग तो बहुत सारे खड़े थे जो बच्ची के रोने की आवाज भी सुन रहे थे, लेकिन उसमें से निकाल कोई नहीं रहा था। कोई नहीं निकल रहा था, हम गए उसमें से निकाल के लाए पूरा में से, पुआल के तो अंदर से जंगल ही आपने निकाला? हाँ वहाँ पे जंगल झाड़ी है जो काड़ा बोलते हैं ना इकड़ी, उसमें पूरा रखा हुआ था, उसमें से निकाल कर लाया हूँ। जी, आपकी मम्मी अगर है तो प्लीज उनको भी हम एक बार धन्यवाद कहना चाहेंगे बच्ची को की देखभाल करने के लिए और उसका इतना ध्यान रखने के लिए, तो एक बार आप उनसे भी मिलवा दीजिए। नमस्कार,
जी, नमस्कार। मैं मोनिका आर्य रांची झारखंड से बोल रही हूँ। पालोना एक हमारा कैंपेन चलता है जो ऐसे बच्चों के लिए काम करता है, जैसे हालत में आज ये बच्ची मिली है, सॉरी 3 दिन पहले बच्ची मिली थी। तो अभी छोटे लाल जी बता रहे हाँ थे कि आप दिया बाती कर रही थी जिस समय में वो बच्ची को लेकर घर हाँ में घुस, तो बताएं थोड़ा जी सा कि आपको कैसा लगा, मतलब पहला थॉट, पहला विचार क्या आया मन में जब आपने बच्ची को देखा? अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव तो इसको दिए पालन हैं पोषण करना है। आपका जी। नाम राधिका क्या हुआ? देवी राधिका देवी जी, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ राधिका जी, और छोटे लाल जी को तो मैंने धन्यवाद कहा भी जी है। इस बच्ची का जीवन बचाने के लिए बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है, ये जी बच्ची को बचाकर। अब इसकी सूचना जी जरूर आप लोग लोकल थाने में दे दें, ताकि जो भी प्रक्रिया जी है वो प्रक्रिया फिर पूरी की जा जी सके। दिलीप जी भी यहाँ पर है, तो मैं एक बार दिलीप जी से भी बात करना चाहूंगी। जी दिलीप जी, आप इस तरह की खबरों पे निगाह रखिएगा वहां, और भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है मोतिहारी में या आसपास में भी, तो आप, मेरा नंबर आपके पास आ गया है, आप प्लीज उस पर वो सूचना जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या मैम तो अभी आपने उस बच्ची को देखा जो कि अभी 3 दिन पहले मोतिहारी जिले में मिली है। आपने उस शख्स को भी सुना जिसकी महती भूमिका रही है इस बच्ची का जीवन बचाने में। साथ में आपने राधिका देवी जी की भी बात सुनी, जो दिया बाती कर रही थी उस समय में, जिस समय में उनका बेटा एक अनजान बच्ची को लेकर अपने घर में घुसता यहाँ पर ये है। बताना बताना चाहती हूँ कि इस तरह से जो भी नवजात शिशु मिलते हैं, जब भी कभी कोई बच्चा ऐसे मिले, लावारिस अवस्था में मिले, और कोई भी उस बच्चे पर अपना क्लेम करने वाला ना हो, उसके परिजन ना हो, उसके मम्मी पापा ना हो, उसके परिवार वाले ना हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो उस बच्चे को पाता है उसको अपने पास रख लेता है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जेजे एक्ट लागू होने के बाद से अब ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ गया है। जब भी कोई नवजात शिशु कहीं मिलता है, तो पहली जिम्मेदारी जो बनती है उस शिशु के प्रति, वो है कि उसको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन, मेडिकल केयर मिले। बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उसको जो भी उसकी जरूरत है, मेडिकल जरूरत है, वो पूरा करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे के मिलने की सूचना अपने निकटवर्ती थाने को देनी चाहिए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं होती है। इसे जब भी कोई बच्चा कहीं मिलता है, तो उसकी जानकारी आप अपने जो भी समीपवर्ती थाना है वहां के पुलिस अधिकारियों को दीजिए, और उसके बाद पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे के मिलने की सूचना CWC को दे, DCPO, जैसे अगर कहीं पर CWC नहीं है फंक्शनल, तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को उस बच्चे की जानकारी देनी चाहिए, और इसके बाद रिलेवेंट सेक्शंस में इस केस को दर्ज भी करना चाहिए। क्योंकि ये जैसे यही बच्ची मिली है, ये सेफ अबेंडनमेंट नहीं है, ये अनसेफ अबेंडनमेंट की श्रेणी में आता है, ये अपराध है, IPC 317 और जेजे एक्ट सेक्शन 75 के तहत इसको दर्ज किया जाना चाहिए। तो पुलिस की जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, उन्हें उस बच्चे को CWC तक पहुंचाना है, और इसके अज्ञात के खिलाफ उस मामले की FIR भी दर्ज करनी है। जो लोग बच्चों को बचाते हैं, मैं जानती हूं कि एक स्वाभाविक लगाव उन बच्चों से, उस परिवार का, उस शख्स का हो जाता है, और हम इसलिए ये अपील भी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी समय से, कि जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार उस बच्चे को बचाता है, उन स्थितियों से बच्चे को बाहर निकाल कर लेकर आता है जहां पर मौत कभी भी उस बच्चे को दबोच सकती है, और यदि वो उस बच्चे को पालना चाहता है, उसका पालन पोषण करना चाहता है, तो पहला जो अधिकार है अडॉप्शन का, ये उस शख्स को जाना चाहिए। मान लीजिए वो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ा जा सकता है, ताकि बच्चे के पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसके बाद बच्चे के बड़ा होने के बाद परिवार में जो दूसरे बच्चे हैं उसमें और बाकी बच्चों में किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उस परिवार को, उस शख्स को इसके बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। सारी स्थितियां समझाने के बाद, काउंसलिंग अच्छे से करने के बाद, तब उनसे उस, वो बच्चे को अगर नहीं पालना चाहते हैं, तो उनसे उस बच्चे को लेना चाहिए। जोर जबरदस्ती इस तरह के मामलों में नहीं करनी चाहिए। यहां से जाने से पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने सर्किल में शेयर करें,
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वहाँ जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। वो इसलिए कि जब भी कभी कोई नया कंटेंट, कोई नया वीडियो हम यहाँ लेकर आएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जाने से पहले एक जानकारी मैं यहाँ पर सेफ सरेंडर के बारे में एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि जिन्होंने भी जैसे इस बच्चे को पुआल के ढेर में रखा है और अनजाने में एक गंभीर अपराध वो कर बैठे, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो अपने जिले की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दोनों में से किसी को भी संपर्क करके बच्चे को उन्हें सौंपने की लिए उनसे अनुरोध कर सकते थे, आग्रह कर सकते थे। और यदि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी तो वो 1098 पर चाइल्ड लाइन को या 9798454321 पर पालोना को संपर्क करके भी सेफ सरेंडर के बारे में जानकारी ले सकते थे। ये प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होती है, पूरी तरह से वैध होती है और जब आप अपने बच्चे को सरकारी अधिकारियों को सौंपते हैं तो वो पूरी तरह से लीगल होता है, उसमें आप कोई अपराध नहीं करते। लेकिन जब भी आप बच्चे को इस तरह से छोड़ते हैं जैसे कि आपने इस बच्चे को छोड़ा है तो आप अनजाने में एक अपराध कर बैठते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अपराध करने से खुद को बचाइए। बच्चे को जन्म दिया है उसके लिए जीवन चुनिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को छोटे लाल जैसा कोई शख्स मिल जाए। इसी के साथ मैं इजाजत दूंगी। नमस्कार।